इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक इम्पॉर्टेंट और मेजर डाउट जो स्टूडेंट्स को हो रहा है अपनी सीट अलॉटमेंट के रिजल्ट से। यानी उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने काउंसलिंग के टाइम अपनी ओबीसी कैटेगरी से काउंसलिंग कराना का निर्णय लिया था, लेकिन उन्हें जब सीट अलॉटमेंट ऑल इंडिया कैटेगरी से या ओपन होम स्टेट में ओपन फॉर ऑल कैटेगरी से अगर उन्हें सीट मिल रही है तो उन्हें ये डाउट हो रहा है कि उनकी कैटेगरी चेंज कर दी गई है। इस डाउट को हम क्लियर करने वाले हैं और क्या कंफ्यूजन है उस पूरे कंफ्यूजन को क्लियर करने वाला हूँ और इस कंफ्यूजन का कारण क्या है। कारण ये है कि कई सारे स्टूडेंट्स को जो अलॉटमेंट का प्रोसीजर होता है वो नहीं पता होता, जो कि मैं इस वीडियो में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में आपको सामने एक इमेज दिख रही होगी, तो पहले इस डायग्राम को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये चॉइस वन है, यानी जब आप चॉइस फिलिंग करते हैं तो जो चॉइसेस भरते हैं तो टॉप टू चॉइसेस हमने ली हैं, यानी आपने जो चॉइस वन फिल कर रखी है और जो है दूसरी आपने चॉइस टू फिल कर रखी है। ओके, किसी कॉलेज की कोई ब्रांच आपकी आपकी चॉइस वन में है और किसी कॉलेज की कोई ब्रांच आपकी चॉइस टू में है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ कुछ कैटेगरीज और सेक्शंस दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर ये पहला ऑल इंडिया सेक्शंस है, उसके बाद फिर ये होम स्टेट यानी उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स का सेक्शन है और इसके अंदर आपकी कैटेगरीज हैं, जैसे कि ये पहले तो ओपन फॉर ऑल है, ये कोई कैटेगरी नहीं है, ये ओपन सीट्स हैं, यानी ये सीट्स किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट को अलॉट की जा सकती है। उसके बाद ये ओबीसी कैटेगरी है, उसके बाद उसी तरह एससी और एसटी भी है। ये चीज़ें आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी जब मैं आपको यहाँ पर अलॉटमेंट का प्रोसीजर बताऊंगा, तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि आपका अलॉटमेंट आपकी सीट कैसे अलॉट हो रही है। मान लीजिए आपकी एक सर्टेन रैंक आती है और सबसे पहले आपको पहली चॉइस की ऑल इंडिया सेक्शन में डाला जाता है। ऑल इंडिया सेक्शन में जब आप डाला जाता है तो अगर आप आपकी रैंक ऐसी है, अगर आप एलिजिबल हैं कि ऑल ओवर इंडिया के सेक्शन से आपको सीट मिल सकती है तो आपको सीट दे दी जाती है ऑल ओवर इंडिया के सेक्शन से। उसके बाद अगर आपको यहाँ पर सीट नहीं मिलती, यानी आपको ऑल इंडिया सेक्शन में सीट नहीं मिलती, उसके बाद फिर आप होम स्टेट के सेक्शन में आ जाते हैं। होम स्टेट में भी आपको सबसे पहले ओपन फॉर ऑल सेक्शन में डाला जाता है। डजेंट मैटर आपकी कौन सी कैटेगरी है, आप अगर ओबीसी के हैं फिर भी आपको पहले ऑल ओवर इंडिया सेक्शन में डाला जाएगा। अगर नहीं मिलती है सीट फिर आपको ओपन फॉर ऑल सेक्शन में डाला जाएगा। अगर यहाँ पे भी सीट नहीं मिलती है फिर आपको आपके रिस्पेक्टिव कैटेगरी जो भी आपकी होगी, जैसे अगर आप ओबीसी हैं तो आपको ओबीसी के थ्रू सीट अलॉट करने की कोशिश की जाएगी, अगर आप एससी हैं तो आपको यहाँ पर सीट अलॉट करने की कोशिश की जाएगी, अगर आप एसटी हैं तो आपको यहाँ पर सीट अलॉट की जाएगी। इन केस अगर आप इन तीनों कैटेगरीज में एलिजिबल नहीं है, यानी अगर आप ओबीसी हैं और आपको ओबीसी में सीट नहीं मिल रहे हैं, हम फॉर एग्जांपल अभी ओबीसी की बात करते हैं, अगर आप ओबीसी हैं और आपको ओबीसी में सीट नहीं मिल रही है तो आपको अब चॉइस टू के ऊपर फोकस किया जाएगा और चॉइस टू में भी आपको सबसे पहले ऑल इंडिया सेक्शन में ही डाला जाएगा। अगर यहाँ पर भी आपको सीट अलॉट नहीं होती है उसी तरह आपको फिर ओपन फॉर ऑल में देखा जाएगा, चॉइस टू के लिए ओपन फॉर ऑल में देखा जाएगा। अगर आपको फिर नहीं मिलती है तो आपको फिर अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरी, अगर रिस्पेक्टिव कैटेगरी में डाला जाएगा, अभी हम ओबीसी का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो आप ओबीसी में आपको देखा जाएगा। तो इसी तरह आपका प्रोसीजर फॉलो होता है। और इन केस अगर हम जैसे एससी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर आपको ओपन फॉर ऑल में चॉइस वन में अगर सीट अलॉट नहीं होती है तो आपको फिर एससी आपके रिजर्वेशन से आपको सीट अलॉट की जाएगी, अगर नहीं होती है तो फिर आप फिर चॉइस टू के ऑल इंडिया सेक्शन में ही आपको पहले सीट अलॉट की जाएगी। इसी तरीके से ये प्रोसीजर फॉलो होता जाएगा, सेम फॉर एसटी। तो यहाँ पर स्टूडेंट को डाउट ये आ रहा है कि अगर आपको ऑल ओवर इंडिया के सेक्शन से सीट अलॉट कर दी जाती है तो क्या आपकी जो ओबीसी कैटेगरी है वो चली गई, यानी आपको जो सीट अलॉट की गई है ओबीसी कैटेगरी से नहीं की गई है। तो इसी चीज़ को हमें समझना है, समझना ये है कि आपकी जो कैटेगरी है वो आपकी रिजर्व है, आपकी जितने भी बेनिफिट्स हैं वो आपके रिजर्व हैं, आपको कैटेगरी वाइज जो भी आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं वो सारे के सारे आपको मिलेंगे, आपकी आपकी कैटेगरी के साथ कोई भी चेंजेस नहीं किए गए। आपकी कैटेगरी अगर आपने ओबीसी अपनी काउंसलिंग के टाइम पे भरी है तो आपको ओबीसी आपकी कैटेगरी रिजर्व रहेगी और आपको फ्यूचर में जो भी बेनिफिट्स कैटेगरी वाइज मिलने हैं आपको मिलेंगे। ये सीट अलॉटमेंट का यही प्रोसीजर है कि पहले अगर आप आपकी इतनी अच्छी रैंक है, यानी अगर आप बहुत अच्छे हैं, आपकी रैंक बहुत अच्छी है, तो आपको ऑल ओवर इंडिया सेक्शन से आपको सीट दी जाएगी। अगर आप
अगर आप ऑल ओवर इंडिया में सेक्शन में सीट नहीं मिल रही है, फिर आपको ओपन फॉर ऑल सेक्शन में आपको सीट दी जाएगी। तो मतलब ये है कि अगर आपकी रैंक इतनी अच्छी है, यानी अगर आपकी कोई भी कैटेगरी है, इनफैक्ट चाहे आपकी ओबीसी है, एससी है, एसटी है, आपकी कोई भी कैटेगरी है, अगर आपकी रैंक इतनी अच्छी है तो आपको ओपन फॉर ऑल सेक्शन से भी सीट मिल सकती है, और अच्छी है तो आपको ऑल ओवर इंडिया सेक्शन से भी आपको सीट मिल सकती है। बस इस बात को समझना है यहाँ पर। और सीट अलॉटमेंट का प्रोसीजर यही होता है, आपकी कोई भी कैटेगरी हो, सबसे पहले आपको ऑल ओवर इंडिया सेक्शन में डाला जाता है। अगर आपको यहाँ पर मिल जाती है सीट तो बहुत वेल एंड गुड, नहीं मिलती है तो आपको फिर ऑल ओवर इंडिया सेक्शन में डाला जाएगा। यहाँ पे भी नहीं मिलती है तो फिर आपको अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में जाएंगे, और अगर आपको रिस्पेक्टिव कैटेगरी के रिजर्व कोटे से सीट नहीं मिल पा रही है तो आपको चॉइस टू पे देखा जाएगा। तो इस प्रोसीजर को फॉलो हो करके आपका सीट अलॉटमेंट बनाया जाता है और सीट अलॉटमेंट होता है। और फिर से एक बार बोलूँगा कि आपकी जो भी कैटेगरी है आपको उसके सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, और सारी की सारी चीज़ें आपकी रिजर्व रहेंगी। आपको जितने भी बेनिफिट्स आपको फ्यूचर में मिलने वाले हैं, वो सारे के सारे बेनिफिट्स आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। होपफुली आपको सारे डाउट्स और आपके कन्फ्यूजन्स क्लियर हो चुके होंगे, और अगर नहीं क्लियर हुए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा देखें। वंस अगेन थैंक यू।